इस सरकार के अंदर रहते हुए जो टूरिज्म पे काम किया है वो काफी सराहनीय है। जो जनता के हित में काम करेगा वोट उसी को देंगे ये तय कर लिया गया है। कसा सबका विकास सरकार कह रही है, लेकिन विकास किसका हो रहा है आप भी जानते हैं। बोल रहा है ना कि चार आपकी बार 400 पार अयोध्या में जो मंदिर बना है ये उसके बिहार पे बोल रहा है। चुनावी रणभेरी बच चुकी है और ऐसे में अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है। ताज नगरी आगरा जो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत जहां है वहां तमाम जो कारोबारी हैं जो टूरिज्म ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं उनसे आज बात करेंगे कि वो उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि तो अब उनके हाथ में वो ताकत है वोट की चोट वो करेंगे और उसके बाद एक सरकार का गठन होगा। तमाम लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। ये सभी लोग ताजमहल के पास ही कारोबार करते हैं, छोटे मोटे कारोबार हैं और उन टूरिज्म ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं। तो शुरुआत करते हैं, आप बताइए, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, ये बताइए किस तरह से देख रहे हैं, बिल्कुल इलेक्शन सर पर है, क्या किन मुद्दों को लेकर जहन में क्या मुद्दे चल रहे हैं? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि इस प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो इस सरकार के अंदर रहते हुए जो टूरिज्म पे काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है। और जैसे ODOP स्कीम है, जैसे MSME की स्कीम है, जिस तरीके से प्रमोशन ODOP का इंटरनेशनल स्तर पे करा जा रहा है उससे विदेशी पर्यटकों का इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पे काफ़ी ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो प्रदेश की सरकार जो है काफ़ी सराहनीय काम कर रही है। तो आपको लग रहा है कि ये सारे मुद्दे रहेंगे जब आप वोट करेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे। अच्छा, क्योंकि जो स्कीम्स जो अभी नई नई स्कीम्स आ रही हैं जिसको लेके हम लोग जो आर्टिशंस लोग हैं, जो हैंडीक्राफ्ट के जुड़े इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, जो बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं के हिसाब से सरकार ODOP को प्रमोट कर रही है वो काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा है, क्योंकि पहले ग्लोबली था, अब इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बड़े नेटवर्क पर चल रहा है। नेटवर्क पर चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि सरकार ठीक है। और भी लोग हमारे साथ हैं, ताहिरुद्दीन ताहिर जी हैं, ताजमहल से जुड़ी तमाम जो कमेटीज़ हैं उसको हेड करते हैं। सर, आप देखिए, आपने तो एक अरसा गुजार दिया, कई सरकारें आईं कई सरकारें गईं, इस बार क्या माहौल देख रहे हैं इलेक्शन में? इस बार ये सरकार जो है, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, यूपी की नहीं, मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, छोटे से यूपी की नहीं, देश की सरकार, देश की सरकार की बात कर रहा हूँ। इस टाइम देश की सरकार से जहाँ की जनता बहुत दुखी है महंगाई को लेकर, सिलेंडर को लेके, पेट्रोल को लेके, हर चीज़ को लेके, महंगाई को लेके बहुत परेशान है। अब उसी जो जनता के हित में काम करेगा वोट उसी को देंगे ये तय कर लिया गया है। और इसके अंदर जो लोगों का और सेंट्रल गवर्नमेंट का या सेंट्रल सरकार का ये एक लक्ष्य है कि अब की बार 400 पार, ये बहुत मुश्किल है 400 पार। कैसे लग रहा है आपको? मोदी सरकार तो बहुत कॉन्फिडेंट है, हाँ, लेकिन ये सारी चीजें जब जनता ही तय करेगी तभी तो 400 पार होगा। हाँ, क्या आपको लगा कि पक्ष में दम है, वो रोक पाएंगे 400? नहीं, जनता के पक्ष में दम है, क्योंकि इस टाइम उसके हाथ में अपना एक वोट ताकत है, वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। जनता सुखी नहीं है, बहुत दुखी है। आप कारोबार करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का क्या लगता है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? कोई रिस्पांस नहीं है, बहुत परेशानी, यहाँ तक कि जहाँ खड़े हुए यहाँ पे तो उन्होंने ताजमहल के गेट को बंद ही कर रखा है, यहाँ तो बिल्कुल नील है। लोगों में कई तरह की शंकाएं हैं, तो कई कह रहे हैं कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, सरकार कह रही है कि बिल्कुल सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, शंकाएं भी बहुत हैं, आप कैसे देखते हैं इसको लेकर? सरकार बिल्कुल सही कह रही है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सरकार कह रही है, लेकिन विकास किसको हो रहा है ये आप भी जानते हैं। सबका साथ सबका विकास जो बिजनेस देगा, कारोबार से बहुत बड़ी चीज होती है, जिसके पास कारोबार होगा खुश। लाखों लोग ताजमहल से पेट भरते हैं, क्या आप लग रहा है आप खुश हैं? लाखों नहीं, करोड़ दिल्ली आगरा जयपुर से ताजमहल से पेट भरते हैं, जो ताजमहल के पास है वो ही रो रहे हैं। जैसे हम 100 मीटर पर ताजमहल का दक्षिणी गेट है, बिल्कुल बंद पड़ा है, इनकमिंग है जी। नहीं, सुबह 2-4 घंटे तो हो गए होंगे आपको शॉप खोले, कितना कस्टमर आ चुका है? मेरी दुकान भी बोनी भी नहीं हुई, और रोज का अक्सर रहता है 100-200-500 हज़ार रुपया बेच लो, तो उससे कोई बेनिफिट तो है नहीं। जब तक ये साउथ गेट नहीं खुलेगा, सरकार किसी की भी आए, जो हमारे साथ है, जो हमारा साथ है, हमारा साथ देगा, उसके साथ नहीं, चाहे किसी की सरकार। मोदी जी का चेहरा है, दूसरी तरफ एक इंडिया गठबंधन जिसमें कई सारे चेहरे हैं, कोई फाइनल चेहरा नहीं है। और क्या लग रहा है इस बार किधर यमुना नदी का पानी किधर बहता हुआ नजर आ रहा है? बहुत सीधी बात, बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, अब एक ही मुद्दा कलम पकड़ा कर उन्होंने,
क्या है मुद्दा? सिर्फ वही आप भी जानते हैं, हिंदू और मुसलमान, यानी पोलराइजेशन। बिल्कुल सर, अभी इन्होंने राम मंदिर बनाया, जो जो ये बोल रहा है ना कि चार आपकी बार 400 पार अयोध्या में जो मंदिर बना है, ये उसके बिहार पे बोल रहा है। अदरवाइज आपको लग रहा है कि धर्म की खेती से वोटों की फसल काटी जाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, और इस बार भी यही होगा। आप देखिएगा, आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अगर आप कारोबार की बात क्या बताए, इतने सारे युवा लड़के जो जवान है जिन्होंने डिग्रियां लेके बैठे, उनके पास नौकरियां कहाँ हैं? जो सिलेंडर 570 रुपए का या 30 रुपए का आता था, जब सुमित्रा रानी बैठ गई थी, राजनाथ सिंह बैठ गए थे सिलेंडर लेके धरने पे बैठ गए थे, और आज वो सिलेंडर कितने का आ रहा है सर? 1100-1200 रुपए का आ रहा है। पेट्रोल जो 54-60 रुपए लीटर था, आज 100 का आंकड़ा पार हो रहा है। तो ये क्या है? सजाई तो है हम लोगों के लिए, मिडिल क्लास का तो वैसे ही मर गया। पैसे वाला ही सारे मुद्दे हैं, ये महंगाई, बेरोजगारी, सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जब एक मतदाता वोट करने जाएगा तो इनको ध्यान में रखेगा? बिल्कुल रखेगा सर, अगर नहीं रखेगा तो कब तक? इस बार फिर बन जाएगी, कभी ना कभी तो चेंज होगी सर। और बदलाव तो होता है, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। क्या लगता है कि बात से तो फर्क है कि बदलाव प्रकृति का नियम है कि कभी ना सत्ता और शोहरत और दौलत कभी किसी एक की नहीं रही है? इस बार बदलाव जरूर होगा। जनता बहुत दुखी है, कारोबार से बहुत दुखी है। जो लोग किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, जो लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, जो महंगाई पे बात नहीं करते हैं, जो रोजगार पे बात नहीं करते हैं, जो युवा जो जितना भी डिग्री लेके युवा गुमराह भगत, वहाँ इन पर कोई नौकरी नहीं है, सिर्फ इनकी राजनीति है हिंदू मुस्लिम। जो महंगाई भी बात नहीं करेंगे, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, महंगाई कितनी है आज के समय में, इस चीज़ पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम है। आप महंगाई भी बात करिए ना, जनता कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं सर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इस साउथ गेट है हमारा ताजमहल का, इसको काफ़ी साल हो गए बंद हुए, कभी किसी नेता ने, शायद बीजेपी का जब से गवर्नमेंट आई है, कभी इसको खुलवाने की कोशिश नहीं करी है, बिकॉज ऑफ रीज़न कि मुस्लिम मार्केट है। शुरुआत में बताया गया कि आईवी का इनपुट था, कि उसके बाद इसको बंद कर दिया कि सुरक्षा को सेंध लग सकती है। सर ये किसके हाथ में? अपनी सरकार के हाथ में। केंद्र से अगर है तो केंद्र वाले ही इसको कर सकते हैं सर। ये नहीं देख रहा, दोनों गेट खुलते हैं, टाइम से बंद होते हैं, यही गेट क्यों? बिकॉज ऑफ रीजन हिंदू मुसलमान, ये मार्केट जो मुसलमानों की है, तो कैसे भी पीड़ित करना है, ऐसे नहीं तो ऐसे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या लगता है ये आपके इनकी बात से इत्तेफाक है? एक चीज और कहना चाहता हूँ, जब तक अगर के ये मोदी जी का कहना है 400 पार हकीकत है, जब तक उनके पास ईवीएम मशीन है वो 800 पार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गलत फहमी में, अगर के इतनी इनमें मजमी है और इतने ही बढ़िया किस्म के इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वैलिड पेपर पे इलेक्शन करा के दिखाए और दिखा दे, 400 क्या 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। इतनी दुखी है। तहरीर दीन जी ने काफी बुजुर्ग हैं, काफी उन्होंने समय देखा हुआ है, सरकारें आती जाती हुई देखी है, बदलाव भी देखा है, और तो आप क्या लगता है, आप भी युवा हैं तो ताहिर चाचा की बात से आप सहमत हैं? देखिए सरकार जो है सेंट्रल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्लोबली काम कर रही है, अगर आप उस सबको मद्देनजर रखें, आप एक स्टेट के लिए या आप एक कंट्री के लिए नहीं सोचिए, आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करिए, आज हमारी जो कंट्री है वो कहाँ पर खड़ी है, कहाँ स्टैंड कर रही है, हम लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं है, हमारे पासपोर्ट्स की वैल्यू क्या है, हम इंटरनेशनली कितने डेवलप हो चुके हैं, आज पूरी मिडिल ईस्ट, आप दुबई में कारोबार करते हैं जानकारी हुई है, तो क्या वहाँ किस तरह का बदलाव लगता है? आज मिडिल ईस्ट मार्केट के अंदर जो एक रिस्पांस, एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर जो मिल रहा है इंडियंस को, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज वो जिस लेवल पे काम कर रहा है, जितना हार्ड वर्क और जितना एफर्ट कर रहा है, तो मुझे काफी सराहनीय लगता है। आप बताइए कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या लग रहा है? एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी मुद्दा होगा वो महंगाई पर होगा। महंगाई पर होगा, महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा रहेगा इस बार। तो आपकी बार महंगाई की मार, मुद्दा कायम है, मुद्दा कायम है, महंगाई की मार। देखिए समझिए, तो आप कुल मिला के ताजमहल से जुड़े हुए तमाम जो कारोबारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों के मर्म को टटोलने की कोशिश की गई कि इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है, और ऐसे में वोट की चोट ही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तमाम जो ताजमहल से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं वो थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं, अदनान शेख जैसे नौजवान को छोड़कर ज्यादातर का कहना है कि उनके कारोबार नहीं चल रहे, और ये नाराजगी कहीं ना कहीं वोट में तब्दील होगी। तो कुल मिला के कहा जाए, अब जनता को ये तय करना है कि इस अब की बार 400 पार या बदलाव की बयार। शेष यूपी के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट, आगरा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।